सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारे न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वो है दही बड़े मसाला पाउडर की रेसिपी, जो कि घर में इजीली तो सभी तैयार कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मेरे दादा की रेसिपी है, जिन्होंने मेरी दादी को बताई, फिर मेरी दादी से मेरी अम्मी को पता चली। और मेरे दादा दिल्ली के रहने वाले थे और वो छोले दही बड़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, और वो घर में यही रेसिपी मेरी दादी से बनवाते थे, और बहुत लजीज दही बड़ों के अंदर जब हम इसका मसाला डालते थे तो बहुत उम्दा दही बड़े बनते थे। आज मैं उन्हीं की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप बनाइएगा और रमज़ान शरीफ में इसका लुत्फ़ उठाइएगा। और अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए आइए देखते हैं दही बड़े मसाला पाउडर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 20 से 25 हमने ये साबुत लाल मिर्ची ली है, 2 टेबल स्पून हमने ये साबुत धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून हमने ये वाइट ज़ीरा लिया है, और 1 टेबल स्पून हमने ये ऑयल लिया है। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। 1/2 टी स्पून हमने ये नमक लिया है, 1/2 टी स्पून ही हमने ये काला नमक लिया है, और 1/2 टी स्पून हमने सिट्रिक एसिड यानी टार्टरी ली है, 3 हमने लौंगे ली हैं, तकरीबन 4 से 5 हमने ये काली मिर्ची ली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन के अंदर हम ऑयल डाल लेंगे और साथ ही इसके अंदर हम ये साबुत लाल मिर्ची डाल देंगे और उसको अच्छी तरह हमने रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको हमने रोस्ट करना है। देखिए ये अच्छी तरह रोस्ट हो गया है, इसको तकरीबन हमने 1.5 मिनट लगाए होने में। अब इसे हम उतार लेते हैं। अब इसी देखें थोड़े से बचे हुए ऑयल के अंदर हमने साबुत धनिया डालना है और जीरा डालना है ताकि ये भी अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। आप स्वयं इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार दही बड़े मसाला पाउडर बनता है। अब देखिए इसको भी तकरीबन हमने 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरीके से रोस्ट करा है। अब इसे भी हम उतार लेते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे। ये हमने साबुत मिर्ची भी रोस्ट की हुई है और साबुत धनिया और ज़ीरा भी रोस्ट किया हुआ है। अब इसको हम ग्राइंडर मशीन में डाल के सबको हम पीस लेते हैं एक साथ। लौंगे, काली मिर्चें और टमाटरी और ये नमक, ये सब चीज़ें डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे। अब देखिए ये सबको हमने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे निकालते हैं। अब देखिए ये हमारा मज़ेदार सा दही बड़े मसाला पाउडर तैयार है। दोस्तों आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा लजीज बनता है घर के अंदर। और अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ, तो आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।